तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में एफडी करने की सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिसेंटली अपने इंटरेस्ट रेटों में चेंजेस किए हैं। एफडी करने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि कितने दिन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने कितने इंटरेस्ट रेट की बढ़ोतरी की है और कितने दिनों के लिए कटौती की है। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेनिस। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिसेंटली अपने इंटरेस्ट रेट जो है वो 9 अक्टूबर 2023 को चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पे जो 7 दिन से लेकर के अगर 14 दिन के लिए आप एफडी करते हैं तो नॉर्मल पब्लिक के लिए 3% का इंटरेस्ट रेट है, वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आप 3.5% का इंटरेस्ट रेट ब्याज दर आपको एफडी पे मिल जाता है। वहीं अगर आप 15 दिन से लेकर के 45 दिन के लिए एफडी करते हैं तो आपको 3.5% नॉर्मल पब्लिक के लिए और वहीं सीनियर सिटीजन के लिए 4% का इंटरेस्ट रेट दोस्तों आपको मिल जाता है। साथ ही अगर आप 46 दिन से लेकर के 90 दिन के लिए एफडी करते हैं तो आपको 5% का इंटरेस्ट जनरल पब्लिक के लिए मिलता है और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 5.5% का ब्याज दर दोस्तों मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको 91 दिन से लेकर के 180 दिन के लिए एफडी करते हैं तो नॉर्मल पब्लिक के लिए 5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 5.5% का इंटरेस्ट रेट दोस्तों मिल जाता है। साथ ही 181 दिन से लेकर के 210 दिन के लिए अगर आप एफडी करते हैं तो आपको 5.5% का इंटरेस्ट रेट जनरल पब्लिक के लिए मिलता है और सीनियर सिटीजन के लिए दोस्तों 6% का ब्याज दर आपको मिल जाता है। वहीं 211 दिन से लेकर के 270 दिन के लिए अगर आप एफडी करते हैं तो जनरल पब्लिक के लिए दोस्तों ये इंटरेस्ट रेट 6% का है और सीनियर सिटीजन के लिए 6.5% का इंटरेस्ट रेट दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही अगर आपको 271 दिन से लेकर के 1 साल तक का एफडी करते हैं तो आपको 6.25% का ब्याज दर मिलता है जनरल पब्लिक के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए 6.75% का इंटरेस्ट रेट दोस्तों मिल जाता है। वहीं आप 1 साल के लिए एफडी करना चाहते हैं तो आपको 6.75% का इंटरेस्ट रेट जनरल पब्लिक के लिए है और सीनियर सिटीजन अगर आप हैं तो आपको 7.25% का इंटरेस्ट रेट दोस्तों यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही 1 साल से लेकर के 400 दिन तक का एफडी अगर आप करते हैं तो आपको 6.75% का इंटरेस्ट रेट जनरल पब्लिक के लिए मिलता है और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। वहीं अगर आप 400 दिन से लेकर के 2 साल तक का एफडी करते हैं तो आपको 6.75% का इंटरेस्ट रेट जनरल पब्लिक के लिए है और 7.25% का इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन के लिए है। साथ ही अगर आप 2 साल से लेकर के 3 साल तक की अवधि के लिए एफडी करते हैं तो आपको 7.25% जनरल पब्लिक के लिए और 7.75% सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही अगर आपको 3 साल से लेकर के 5 साल तक का एफडी करते हैं तो आपको 6.50 यानी कि 6.5% का ब्याज दर मिलता है, वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं दोस्तों तो आपको 7.15% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। वहीं 5 साल से लेकर के 10 साल तक का एफडी करते हैं तो आपको 6.50 का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 7.50 का इंटरेस्ट रेट दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों चूंकि 10 साल से ज्यादा का एफडी नहीं बनता है तो मैक्सिमम जो टेन्योर है 10 साल का उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो नॉर्मल पब्लिक के लिए 6.5% और सीनियर सिटीजन के लिए 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। और एक नया स्कीम है बैंक ऑफ बड़ौदा का, बड़ौदा तिरंगा प्लस डिपॉजिट स्कीम, जो 399 दिन के लिए एक स्कीम है। इसमें अगर आप एफडी करते हैं तो आपको 7.15% जनरल पब्लिक के लिए इंटरेस्ट रेट मिलता है और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 7.65% का ब्याज दर दोस्तों मिलेगा। दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट ऑन एफडी क्या है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेनिस।